कहां से लगे, तीन तीन के झुंड होकर वो वृक्षों का भाव वर्णन किया। सब जगह पर दर्शन करेंगे तो एक एक वृक्ष मिलेंगे, कहीं आंवले का मिलेगा, कहीं पीपल का मिलेगा, कहीं बड़ का मिलेगा, कहीं शमी का मिलेगा, पर पितृलोक में जितना बड़ा पितृलोक है उस पितृलोक में जितने वृक्ष मिलेंगे सारे त्रिवेणी के भाव से मिलेंगे, तीन तीन वृक्ष का एक भाव। इसलिए हमारे यहां त्रिवेणी की जरा महत्वता रहती है पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाया जाता। कई कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में ही त्रिवेणी लगा लेते हैं, एक ही गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो चल जाएगा, पीपल का पौधा छोटा लगाओगे थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो तुम्हारे सिर पर छाया ना ही हो तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो, पर पीपल बड़ा हो जाए और उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगा। आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो उसकी छाया ना पड़े तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है, पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो। शमी, शमी का पौधा घर में लगा सकते हो, पर शमी का पौधा भी जब बड़पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ता। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो सुख देगा, पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना पड़ेगा, छोटा है घर चले। पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बनो, आप गमले के अंदर। कई माताओं की आदत है त्रिवेणी कहां पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहां दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती, त्रिवेणी घर में, त्रिवेणी बाहर, त्रिवेणी का पौधा बाहर हो, घर के अंदर नहीं। क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, उस घर में शांति नहीं होती। क्यों? तो उसका भी व्याख्यान गरुड़ पुराण में कहा गया। क्या वर्णन किया गरुड़ पुराण में? कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पितृलोक में जब लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश द्वार है उस द्वार में जब वो जीवात्मा सारे दुख भोग कर, तकलीफ भोग कर वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहां पर फिर मुझे कहीं तकलीफ का अनुभव होगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। त्रिवेणी का जो पौधा होता है उसी पौधे के नीचे वो जीवात्मा कुछ देर विश्राम कर लेती है। इसलिए शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी बाहर पूजी जाए, त्रिवेणी बाहर लगाए, पर त्रिवेणी का पौधा घर के अंदर गमले में रहेगा। जीवात्माओं को जैसे दुख का भान होता है तो विश्रांति लेते हैं, तो आहुत पितर वासुक जो प्रेत योनि में भटकने वाले भी जीव होते हैं वो त्रिवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं, विश्राम है। महाराज विश्राम तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग। गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, कल उस प्रसंग को थोड़ा वर्णन करेंगे गणेश पुराण के, कि कौन सी दुर्गा किस चीज के लिए लाभदायक है। तो गणेश पुराण में शमी के जो पत्ते का वर्णन करा गया तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के पांच दाने और पीपल के दो पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र तीन दिन में सफल हो जाता है, मात्र तीन दिन लगता है। गणेश पुराण शमी पत्र का, शमी का जो पौधा आपको कहा था, बेलपत्री माता पार्वती के नैनाश्रु से प्रकट हुई, रुद्राक्ष का पौधा शंकर भगवान के नैनाश्रु से प्रकट हुआ, और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश, माता पार्वती का जो एक अवतार हुआ था उमा अवतार, तो माता पार्वती तो 52 अवतार माता पार्वती के हुए हैं, उसमें एक अवतार माता पार्वती का उमा अवतार है, तो उमा अवतार जब माता पार्वती का हुआ था तो उसके साथ में शंकर भगवान को महेश्वर अवतार लेना पड़ा, महेश्वर अवतार भगवान शंकर ने लिया, तो उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ था उस मिलन के दृष्टिकोण से, उस मिलन की दृष्टि से शमी का पौधा उत्पन्न। शंकर भगवान की जो जलाधारी है
बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए। घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन, तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए। उत्तर भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख आप जहां बैठकर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम भगवान शंकर के सामने बैठे हो, इस डंडी का मुख तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ डंडी का मुख विपरीतता मारा। जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी विपरीतता भाव और शमी पत्र की डंडी का भाव, शमी पत्र की जो डंडी होती उसका भाग अपनी ओर होना चाहिए। यह बटकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है हमारा। अदालत में केस चल रहा हो, प्रशासनिक कोई परेशानी आ रही हो, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा हो, कोई केस अदालत में चल रहा है नहीं निपट रहा, बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए और शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर घी का घृत का दिया लगाकर दही चढ़ाइए। उस दही को वापिस हाथ से चम्मच में निकाल लीजिए। उस दही को रख लो, शिव जी की पूजन अर्चना कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का विसर्जन कर आओ। दही जो चम्मच में निकाला है उसको एक रुमाल में लगा लीजिए, चाहे स्वस्तिक बना लो, चाहे छापा लगा लो, जिस बिंदी लगा लो, उस रुमाल को जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें जेब में रखकर ले जाइए। अदालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखकर लेकर जाइए। महाराज बटकेश्वर महादेव का पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण, बटकेश्वर महादेव की आराधना, बटकेश्वर महादेव का नाम जाप, बटकेश्वर महादेव की अर्चना फल दे बटकेश्वर।